हेलो विनर्स, कैसे हो? मजे में होगे? खूब आनंद उठाइए सेट का। और मैं यही कहूँगा, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो, वीडियो पर चर्चा करो, और अगर आप पीडीएफ निकाल कर पहले बना लेते हो तो तुम्हें और डिस्कशन में मजा आएगा। आपके लिए यह सेट है, बस सेट को बनाते रहो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कॉमन ईयर पर आधारित। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ सॉइल हैव निगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। पहले भी यह क्वेश्चन आप बना चुके। यह आपका यूज सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के लिए हमारा वर्ब यह हैव के बदले होगा हैज, और यहां इफेक्टेड नहीं होगा, यह होगा एफेक्टेड। इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव। और अगर इफेक्ट ही बात करते हैं, इसका मतलब होता है अच्छा प्रभाव। तो उत्तर बना तीन नंबर, इसका उत्तर बना तीन नंबर। सबसे पहले एक्सेसिव यूज के लिए हमारा वर्ब हो गया हैव के बदले हैज हो गया, उत्तर नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ट्रूथ इज दैट व्हेन पीपुल सीइंग यू जोन्ड इनटू, लोग जब आपको देखते हैं, योर वर्क, आपके काम को, एंड इन हार्मोनी विथ योर सेल्फ, दे कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपके पास अगर वे शांति में देखते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं। यहां पर इन हार्मोनी के साथ विथ योर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। क्या बनेगा? जैसे आप कहते हो यू आर इन हार्मोनी, तो कभी भी इसके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हमें नहीं करना है। उत्तर नंबर इसका होगा दो नंबर, उत्तर नंबर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट है, ही इज डैश टू फिल इन द ब्लैंक है टू मीरा फॉर हिज एक्शन, वह मीरा के प्रति उत्तरदायी है, अकाउंटेबल टू। इसका मतलब ही होता है, ये अपने बात टू को लेगा, इसका मतलब होता है उत्तरदायी होना। उत्तर बन गया एक नंबर। केयरफुल सावधान, फेथफुल विश्वास, लिएबल जवाबदेह, कानूनन जवाबदेही, ये इसका अर्थ हुआ लिएबल का, और इसका मतलब किसी तरह का जवाबदेही हो जाना। उत्तर नंबर होगा एक। क्वेश्चन नंबर चार है, फिल इन द ब्लैंक है विथ डैश, विथ हर डैश द गेट। गेट का मतलब हुआ कोई खास, खास का मतलब हुआ, खास का मतलब हुआ एट। क्या बनेगा? एट द गेट। क्या बना? एट द गेट, उत्तर नंबर एक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर पांच, सिनोनिम है, सिनोनिम है पेनचेंट। पेनचेंट का मतलब उदासीनता। पेनचेंट का मतलब था उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या हुआ? इनडिफरेंस उदासीन है। रिवल्सन का मतलब होता है परिवर्तन। डिस्गस्ट का मतलब घृणा, और फॉन्डनेस का मतलब लगाव। उत्तर बना एक नंबर, पांच का उत्तर एक। पेनचेंट उदासीनता, इनडिफरेंस उदासीनता। नेक्स्ट है आपके पास फिर से एक बार सिनोनिम है, हेरेसी। हेरसे है, हेरसे का मतलब होता है गपशप, अफवाह। वाले गपशप, अफवाह फैलाने वाला गपशप। तो पहला रियलाइज, महसूस करना। टेस्टिमोनी मतलब क्या हुआ?
यहोवा गवाही, टेस्टिमोनी गवाही, बस बस का मतलब भिन्न भिन्न आना, और लास्ट है डिक्लेयर माने घोषणा करना। तो देखिए बज बजाता है, भिन्न भिन्न आता है, यानी मक्खियों का काम है इधर के चीजों को उधर फैलाना। इसका मतलब इसका उत्तर होगा नंबर 3, इसका अर्थ हुआ फैलाना। तो र्यूमर किसको कहते हैं, र्यूमर मतलब फैलना, उत्तर नंबर होगा 3। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट है, पहला है ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, पुरानी विचारों को धारण करना। तो पुरानी विचारों को धारण करना यानी इसको कहते हैं हम लोग जो कन्वेंशनल है, पुरानी आदत है उसको धारण करना, इसका वर्ड होगा अनकन्वेंशनल। यानी इसको कहते हैं पुरानी रीति रिवाज को दरकिनार कर देना। अनकन्वेंशनल, पहला रूटीन, समय पर काम, फॉर्मल सामान्य, करेक्ट का मतलब सही, उत्तर बनेगा 2 नंबर। नेक्स्ट है फिर से आपके पास अपोजिट है बाय गॉड, अपने धर्म के प्रति अंधा, कट्टर, कट्टर, कट्टरता से रिलेट कर रहा है। इसका आगे देखते हैं असहिष्णु, इंटॉलरेंट, असहिष्णु है तो कट्टर ही होगा। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा गरम मिजाज का, क्रोध करने वाला, नहीं हो सकता उल्टा, कट्टर वो भी हुआ। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब ही होता है जातिवादी, संभव नहीं है। और लिबरल का मतलब उदार, उत्तर होगा नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपके पास PQR को अरेंज करना है, कहता है इको लोकेटिंग बैट्स, इको का मतलब आवाज, बैट का मतलब चमगादड़, इको लोकेटिंग बैट इमिट साउंड्स इन पैटर्न्स दैट कंटेन बोथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एंड कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यानी इसके बाद आपका क्या होगा, इमिट छोड़ता है, तो पी से स्टार्ट हुआ, तो पहला इसके बाद होगा पी, पी के बाद आपके पास होगा आर, और तब आर के बाद होगा क्यू, पी आर क्यू, नंबर होगा 2। आगे बढ़े 10 नंबर। 10 है पैसिव वॉइस बनाना है, यहां पैसिव है डिसलाइक्स, डिसलाइक्स का मतलब हुआ V5, तो V5 से टूटेगा इज या आर, डिसलाइक V3। अब इज या आर डिसलाइक टूटेगा तो हमें देखना है पहला में इज डिसलाइक है, सेकेंड नंबर में वाज है नहीं होगा, थर्ड नंबर में वाज है नहीं होगा, और फोर्थ नंबर में विल है, यानी उत्तर नंबर 1। इज या आर डिसलाइक बना, इससे हमारे पास केवल एक में है इज डिसलाइक, उत्तर नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपके पास खोजना है नरेशन पर आधारित क्वेश्चन। शी सेड टू मी, सेड का क्या बन गया टोल्ड मी, आई लाइक, आई बन गया सी के अनुसार सी, लाइक बन गया लाइक, और योर बन गया मी के अनुसार मी, बना सी लाइक्ड मी,
अब देखो सी लाइक डिमी कहां कहां है, तो ये देखो दो नंबर में केबल लाइक डेट टोल्ड है ही नहीं, तीसरा में टोल्ड है सेड, टोल्ड दिया गया देना चाहिए सेड आ गया, और लास्ट वाले में वाज लाइक ये होगा नहीं, बचा क्या एक नंबर उत्तर, हाँ उत्तर नंबर एक होगा। बारह, बारह नंबर है इनमें से कौन सा एक सही वर्ड है, सही को चुनना है, जब हम सही को चुनना है तो दो नंबर होगा गुरिल्ला, दो नंबर होगा गुरिल्ला, गुरिल्ला जो आपका एनिमल है, दो नंबर होगा जी यू ई डबल आर आई डबल एल ए गुरिल्ला। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट पर आधारित, आइए देखते हैं क्लोज टेस्ट। मेनी पर्संस ऑफ गुड एजुकेशन अनकॉन्शियसली सर कम स्क्राइब, अनकॉन्शियसली का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में सरकम स्क्राइब का मतलब सीमित कर लेना, सीमित कर लेता है देमसेल्स अपने आप को। बहुत सारे लोग अच्छे एजुकेशन को सीमित कर लेता है अपने आप में डैश अ स्मॉल ए स्मॉल वोकैबुलरी, यानी कहां तक सीमित कर लेता है तो कुछ ही वोकैबुलरी को जानकर अपने आप को उसके अंदर सीमित कर लेता है, के अंदर विद इन, कुछ वोकैबुलरी को जानकर वो अपने आप का एजुकेशन बहुत बढ़िया समझने लगता है। दे हैव अ नॉलेज, उनके पास ज्ञान है ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिजायरेबल वर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी से काम नहीं चलेगा, वो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास ज्ञान है कई सौ डिजायरेबल वर्ड को याद रख सकते हैं, विच दे डू नॉट पुट डैश डैश प्रैक्टिकल यूज, पुट इनटू क्या बनेगा, पुट इनटू, यहां इनटू बनेगा, और पहला नंबर में आपके पास था विद इन अ स्मॉल, हाँ यहां पर आपके पास इनटू बना चौदह नंबर में। फिर कहता है देयर स्पीच और राइटिंग मेनी, बहुत सारे टू आर कॉन्शस, कॉन्शस ऑफ इसका मतलब होता है सचेत होना, कॉन्शस ऑफ अ पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज, हमारे ज्ञान के बारे में बताता है कितना कमी है, विच इन डेंजर्स खतरे में डालता है इन देम अ सेंस ऑफ टिमिडिटी कायरता, टिमिडिटी एंड सेल्फ देखो क्या होगा, सेल्फ डेप्रेसिएशन कमी, क्या होगा सेल्फ प्लस ये होगा नाउन, तो नाउन क्या हो गया डिप्रेसिएशन, ठीक है ना। द मेथड यूज फॉर बिल्डिंग अ लार्ज वोकैबुलरी हैज यूजुअली बिन, यूजुअली बिन, चूंकि यूजुअली ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ब के पहले आता है, तो यहां पर हमारे पास वर्ड होगा तीन नंबर। इस तरह से आपके पास यहां हुआ कि कुछ ही वोकैबुलरी को अपने अंदर जानकर वो अपने आप के एजुकेशन को सीमित कर लेता है, यहां हुआ विद इन, यहां हुआ पुट इन टू प्रैक्टिकल यूज अपने अंदर रख लेता है, नेक्स्ट हुआ कॉन्शस ऑफ, ये कॉन्शस के बाद हमेशा ऑफ लगेगा सचेत होना, नेक्स्ट है सेल्फ प्लस नाउन क्या बनेगा सेल्फ डेप्रेसिएशन, वहां पर एक ही वर्ड है डेप्रेसिएशन जो नाउन है, लास्ट है यूजुअली बीन कन्फाइंड, कन्फाइंड वर्ब हो गया, वर्ब के पहले हमें क्या लाना चाहिए यूजुअली, उत्तर नंबर होगा इसका सत्रह का तीन नंबर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अठारह है इडियम एंड फ्रेज है टंग इन चीक, इसका मतलब हुआ हास्यास्पद
एवं कपटी, यानी ऐसा तरीके से छल करने वाला, इसका मतलब हुआ छल करने वाला क्या होगा, इन एन इरोनिक और इनसिंसियर वे, छल के द्वारा किसी को फंसाना। उत्तर होगा टंग इन चीक का, इन एन इरोनिक और इनसिंसियर वे। नेक्स्ट है पेडल टू द मेंटल, बहुत तेज चाल चलना। बहुत तेज चाल चलना कौन सा होगा भाई, इसमें तेज चाल चलने का उत्तर नंबर होगा 3 नंबर, टू ड्राइव वेरी फास्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइटिंग और ड्रॉइंग्स स्क्रिबल्ड स्क्रैच्ड और स्प्रेड illicitly on a wall or other surface in a public place, कहता है कि दीवालों पर गैर कानूनी तरीके से खरोच कर लिखना, खरोच कर लिखना, तो इसका बनेगा उत्तर नंबर 3 ग्राफिटी, खरोच खरोच कर लिखना। पहला है एस्प्लॉटेक, इसका मतलब होता है धब्बा, बस एक कोई चीज धब्बा लगा दिया। स्मल्स का मतलब भी होता है धब्बा, और स्ट्रीक का मतलब होता है लकीर, बस एक लाइन ऐसे खींच दिया। तो उत्तर बनेगा इसका नंबर 3। आइए 21 नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, यानी बुरे भाग्य को लाने वाला, जो बुरा भाग्य को लाता है उसको कहते हैं हम लोग जिंक्स, बदकिस्मत। हाँ, फैलिसस का मतलब आनंद, एडवेंटिसस का मतलब आकस्मिक, और प्रोविडेंशियल का मतलब होता है भाग्यशाली। उत्तर बन गया आपका 3 नंबर, जिंक्स मतलब बदकिस्मत, जो बदकिस्मती को लाता है उसे कहते हैं हम लोग जिंक्स। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है इंप्रूवमेंट करना है। चलिए देखते हैं इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित सवाल है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है 22 नंबर, ही हैड अ शॉर्ट इलनेस, देयर हैड बीन अ ब्रीफ टाइम ऑफ एक्यूट सफरिंग, देन ऑल वॉज ओवर। सबसे पहले देयर के बाद यहां हैड बीन आया, ये पास्ट है तो वो भी पास्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो ये जब पास्ट है, ये जब आपका पास्ट है तो हैव नहीं होगा, खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में भी हैव नहीं बन सकता, और ये हैड के बाद भी 4 बन नहीं सकता, तो ऐसे भी क्या होगा, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 22 का 4। नेक्स्ट है, फिर से आपके पास है सेंटेंस को सही करना है। तो 23 है, आई कुक ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं प्रतिदिन खाना बनाता हूं, बट इवन
द थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट क्वांटम ऑफ फूड, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि ढेर सारा खाना को हमें देना है, डाउट फॉर मी। अब देखो गौर से, ये आपका द थॉट आपका सब्जेक्ट है, द थॉट ऑफ, आपके पहले क्या है थॉट, ये क्या हुआ सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो आपके पास डोंट आ गया, भी वन है, नहीं बन सकता, ये कभी नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो आखिर इसका उत्तर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो वाज का प्रयोग होगा नहीं, नहीं बन सकता, प्रेजेंट की बात करता है, एवरीडे की बात करता है, हैज के बाद डॉन्टिंग बिफोर नहीं बनेगा, तो बचा क्या, एक नंबर इज डॉन्टिंग, हाँ इज के बाद डॉन्टिंग, डॉन्ट का मतलब क्या होता है हिम्मत करना। तो क्या कैसे बनाए, इवन द थॉट ऑफ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कभी भी वन होगा नहीं, क्या बन सकता था डॉन्ट्स बनता, भी फाइव ये बनता, या इसके बदले क्या बना इज डॉन्टिंग, उत्तर नंबर बनेगा हमारा एक नंबर। ऑप्शन से छाटोगे और आसान बनेगा, भी वन बन नहीं सकता, वाज यहां बनेगा नहीं, हैज के बाद डॉन्टिंग भी फोर बनेगा नहीं, तो बचा क्या इज डॉन्टिंग, उत्तर नंबर एक। आइए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मिलाना है हमें कि कौन सा इसमें से जंबल के रूप में सही होगा। इट वॉज विंटर, या जाड़े का समय था, एंड एंड ऑन डैश कप ऑफ कॉफी वॉज व्हाट आई नीडेड, देखो ये व्हाट के बाद आई नीडेड आना चाहिए, इसका मतलब इसका उत्तर बन गया नंबर 4। कैसे बना, ऑन क्या बना, आई वॉज इट वॉज विंटर एंड ऑन दैट कोल्ड डे, यहां से बना कोल्ड डे अ हॉट कप ऑफ, डैट के बाद क्या बना ए कप ऑफ, और तब क्या बना आई नीडेड डेस्परेटली, बना बी ए सी, उत्तर नंबर हो गया आपका 4। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है, तो इसका होगा इनडिस्पोजिशन, इसका मतलब होता है अस्वस्थता। अस्वस्थता, तो इस तरह से आपके पास अगर मैं कहूं कि 25 का उत्तर क्या होगा तो नंबर 1। इस तरह से आपने फिर से एक बार पूरी तरह से 25 क्वेश्चन की व्याख्या देखे, आप थोड़ा सा मदद करें अपने क्लास का, किस रूप में शेयर करें, लोगों को बताएं, ऐसा सेट का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, घर बैठे इसका आनंद लें। थैंक यू वेरी मच, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।